देखिए तो आज समझेंगे हम कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो हम पढ़ते हैं तो उसमें ये जो YTM आप देख पा रहे हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, इसका क्या रोल है, होती क्या है और इसके बेस पर हम किसी बॉन्ड्स की इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से निकालते हैं और किसी बॉन्ड्स या डिबेंचर, जब मैं बॉन्ड्स डिबेंचर बोल रहा हूँ मैं दोनों को साथ साथ ही लेकर चल रहा हूँ समझ लीजिए, तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें और इसके बेस पर उसे हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन किस तरह से लिया जाए। तो लास्ट डिस्कशन में हमने ये समझा था, ये जाना था कि यील्ड टू मैच्योरिटी अपने आप में नया कुछ नहीं, जो आपने कभी पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सिंपली एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। ठीक है, क्यों है एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग हमने बताया कि मान लीजिए एक डिबेंचर आज आपने 500 रुपए में इश्यू किया है और इस पर आपको अगले 10 साल तक मान लो 10% की रेट से 50 रुपए इंटरेस्ट देना है, तो उन 10 वर्षों में दिए जाने वाले जितना भी इंटरेस्ट देंगे और लास्ट में जो उसकी प्रिंसिपल की रिपेमेंट करेंगे, उन सारे की प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट पर डिस्काउंट करें कि वो आज जितने में इश्यू हुआ है, मान लो 500 में इश्यू हुआ है, तो उसके बराबर हो जाए। वही चीज YTM होती है, वही चीज यील्ड टू मैच्योरिटी होती है। ठीक है, सो YTM यील्ड टू मैच्योरिटी इज द रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद ए बॉन्ड्स टू इट्स करंट मार्केट प्राइस, कि जो आपको टोटल कुल मिलाकर जो कुछ पे करना है, ठीक है, वो सारा जो आपको पे करना है इसके मैच्योरिटी पीरियड के दौरान, ठीक है, उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू आज जिस रेट पर हम इसको डिस्काउंट करें, ठीक है, और आज के करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये यील्ड टू मैच्योरिटी है। इसीलिए मैंने इसमें नीचे डाला भी, आप देख पा रहे होंगे, इट मे बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर्स, इसीलिए हम इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर मैं जाऊं, उससे पहले आपको समझना होगा कि इन्वेस्टर्स यील्ड क्या होती है। तो एक तो YTM हो गया, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक होती है इन्वेस्टर्स यील्ड रेट। इन्वेस्टर यील्ड का मतलब इन्वेस्टर जितनी आय चाह रहा है, मतलब इन्वेस्टर ये सोचता है कि भाई अगर ये रुपया मैं शेयर मार्केट में नहीं लगाता या आपके इसमें डिबेंचर में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं इसको जहां कहीं भी और इन्वेस्ट करता वहां मुझे कितना रिटर्न मिल सकता था, तो अब क्योंकि मैं आपके फर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए मुझे वो फंड छोड़ना पड़ेगा, वो रिटर्न छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा कि ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, ये क्या है आपकी एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि इट मे बी कॉल्ड, ये सॉरी, इन्वेस्टर्स यील्ड जो है वो क्या होती है, मीन्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एन इन्वेस्टर, इट मीन्स द एक्सपेक्टेड रेट या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दैट कैन बी अर्नड इफ ही हैड इन्वेस्टेड हिज फंड एनीवेयर एल्स, ठीक है, अगर कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो उसको कम से कम कितना रिटर्न वहां आसानी से मिल जाता, यानी कि ये इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है, ठीक है ना, जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करता है, यानी कि ये उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, यूं कह सकते हैं। तो जब हम किसी बॉन्ड्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलना है, मैं इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी मुझे मिलना है वो सारी की प्रेजेंट वैल्यू मैं किस रेट पर निकालूंगा, इस रेट पर, इसे डिस्काउंट रेट मानकर इस पर मैं उसे कंप्यूट करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए कि अब देखिए हमने वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर्स के बारे में एक दो एग्जाम्पल भी समझ लिए थे, तो YTM के बेस पर हम ये कैसे करें? देखो अगर यील्ड टू मैच्योरिटी, सिंपल सी बात है, अगर यील्ड टू मैच्योरिटी मान लो 12% आती है और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन यानी कि इन्वेस्टर यील्ड 10% है
तो हम उसे रेकमेंड करेंगे खरीदने के लिए, यानी कि उस केस में जो शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अधिक हो जाएगी करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, इफ द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर ए बॉन्ड इज मोर देन, मैं करके दिखाऊंगा आपको विद एग्जांपल। ठीक है, YTM आप जो सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक बॉन्ड का जो YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी है, अगर इन्वेस्टर यील्ड से ज्यादा आ रहा हो तो हम कहेंगे कि इसको खरीद लीजिए, क्योंकि ये अभी अंडर प्राइस है। इसका मतलब सिंपली सी ये है कि इसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, कि आज इसका जितना मूल्य होना चाहिए ये मार्केट में उससे सस्ता मिल रहा है, और क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है इसलिए हम इसको खरीदने के लिए रेकमेंड करेंगे, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपकी YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, कि अगर आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी YTM अगर लेस हो आपकी इन्वेस्टर्स यील्ड से, इन्वेस्टर्स यील्ड से अगर कम हो, ठीक है, इन्वेस्टर चाह रहा है 12% और YTM आ रही है ओनली 9%, तो इस केस में हम इसको खरीदने के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे। अब ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से समझनी है, अलग अलग उससे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए हैं आपके लिए, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप इनको करके देख के आपके समझ में आएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सामने आप ये देख पा रहे हैं कि एक बॉन्ड है उसकी पार वैल्यू 1,000 रुपया है, आपको मिल कितने में रहा है, वो 900 रुपये में मिल रहा है, कूपन रेट है इसकी 9% पेबल एनुअली, 9% पर एनम की रेट से आपको पे किया जा रहा है, मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर्स 6 साल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसी को ही बोलते हैं भाई इन्वेस्टर यील्ड। ठीक है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है 12% की, तो इन्वेस्टर को एडवाइज कीजिए, यानी कि पहले आप जो बॉन्ड की वैल्यू निकालिए कि आज ये कितने रुपए में मिलना चाहिए, मिल तो 900 में रहा है, लेकिन मैं इन्वेस्टर से कह रहा हूँ कि भैया खरीद या मत खरीद, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहा हूं। अब जरा देखिए मिलेगा क्या, ये इयर्स हैं, 1 से लेकर 6 वर्षों तक, ठीक है 6 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड है, 9% इंटरेस्ट मिलता है, 1 से 6 वर्षों तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, थोड़ी देर के लिए टैक्स को इग्नोर कर दो, तो 1,000 पर 9% के हिसाब से 90 रुपया आपको भैया हर साल ब्याज मिलेगा, ठीक है जी। और 6th ईयर, छठे साल क्या मिलेगा आपको वापस, छठे साल भाई 1,000 रुपये का बॉन्ड्स है, और आपको पता है कभी भी बॉन्ड्स का जो कह लीजिए कि रिडम्पशन है वो एट डिस्काउंट पर हो ही नहीं सकता, बॉन्ड्स का रिडम्पशन हम कभी भी डिस्काउंट पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो छठे वर्ष आपको जब कुछ नहीं कह रखा तो एट पार यानी कि पार वैल्यू पर इसका रिडम्पशन भी हो जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू 1,000 रुपये हो जाएगी, 1,000 रुपये आपको अपने वापस मिल जाए, लेकिन ये सब मिलेगा 6 सालों तक, इतना मिलेगा, छठे वर्ष 1,000 रुपया मिलेगा, लेकिन आज वो कितने में दे रहा है मुझे, आज वो 900 रुपये में दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझे उसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, पहले सिंपली जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन बताया था मैं उसकी बात करता हूँ, उसके बाद मैं YTM से भी बात करता हूँ, उसको YTM से भी समझाने की कोशिश करूंगा, रिजल्ट दोनों से सेम आना, चिंता ना करें उसकी। तो अब यहाँ इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, 12%, ये मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, तो 12% की रेट पर हम डिस्काउंट करेंगे, एट 12% रेट ऑफ डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू निकालो भैया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे भाई, 90 रुपया ब्याज मिलेगा आपको हर साल मिलेगा, ठीक है 6 वर्षों तक मिलेगा, 6 वर्षों तक लगातार 90 रुपये मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, ठीक है ऐसे ही करते थे, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट पर, 12% की रेट पर प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, और कितने वर्षों का, 6 साल का, वो इस ब्याज की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी,
ठीक है, देखें कितनी आती है। ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल, ये तो पीवी फैक्टर टेबल है, और एनओटी टेबल मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में भी डिटेल में समझाया था कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो 12% की रेट लीजिए, ठीक है, ये 12% की रेट आ गई आपके सामने है, और 12% की रेट पर छठवें साल, सिक्स्थ ईयर का, ठीक है, 4.111 ये इसकी वैल्यू आती है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो 90 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4.111। देखिए जितना भी ब्याज मिलने वाला है उस सारे के प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है, 90 मल्टीप्लाइड बाई 4.111, ये आता है भाई 369.99। मैं इसको 370 रुपये लिख देता हूँ, देखो 369.99 आ रहा है, मैं इसको 370 रुपये ही लिख देता हूँ, ठीक है जी। आप जरा आगे देखेंगे, एक मिनट, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालो किस चीज की, जो आपको छठवें वर्ष 1000 रुपये वापिस मिलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रिपेमेंट, प्रिंसिपल रिपेमेंट एट द एंड ऑफ कौन से ईयर, सिक्स्थ ईयर। अब ये छठवें साल एक बार ही मिलेगा, ये ऐसा नहीं कि एक 6 साल तक 1000 रुपये मिलते रहेंगे। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ एनओटी फैक्टर नहीं, यहाँ पीवी फैक्टर यूज करेंगे सिंपली, यानी कि 12% की रेट पर 1 रुपया जो 6 साल के अंत में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ये टेबल हमें बता रही है 12% की रेट पर छठवें साल में 0.507, यानी कि लगभग 50 पैसे है उसकी वैल्यू, एक अगर कोई 6 साल बाद मुझे रुपया दे रहा हो, ठीक है, तो 0.507। तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं, 507 रुपए ये आ गए, ठीक है। तो अब इसी का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, या वैल्यू ऑफ बॉन्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, कि जो कुछ आपको देना है उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू, जो कुछ भी आपको भैया देना है उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू। तो 370, एक मिनट, 370 और 507, कितना आ रहा है अभी टोटल, ये आता है भाई 877, 877 रुपया आ रहा है भैया, ठीक है। बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 877, और वो हमें बेच कितने में रहा है, वो 900 रुपए में बेच रहा है, ये देखिए सेलिंग प्राइस कितने का है, 900 रुपए। हम कहेंगे भैया महंगा है, हम इसको नहीं खरीदेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए निकाली जाती है, एडवाइज इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टर को एडवाइज करेंगे कि भाई अभी मत खरीदो, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, ठीक है। और अब यही डिसीजन देखिए, ये डिसीजन मैंने आपको लेकर दिखाया इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर, अब अगेन मैं सेम यही डिसीजन लेकर बताता हूं, अगर हम YTM के बेस पर चल रहे होते तो हम ये डिसीजन कैसे लेते, सेम वही बात थी। देखो YTM में क्या करो, आप सिंपली YTM निकाल लो, ठीक है, और YTM क्या होती है आपकी, YTM सिंपली यूं समझ लो, जो आपका जो डिबेंचर्स की जो कॉस्ट ऑफ डेट निकाला करते थे ना, रिडीमेबल डेट की, वही होती है। कैसे निकालते थे, इंटरेस्ट प्लस 1/n, मैं वो फॉर्मूला जानबूझ कर लिख रहा हूँ, यहाँ उसकी टर्म बेशक थोड़ी सी बदल कर लिखेंगे, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, मैं कंपनी के नजरिए से लिख रहा हूँ, वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख रहे थे वो कंपनी के नजरिए से लिखी जाती है, YTM इन्वेस्टर के नजरिए से लिखना है तो मैं आपको वो भी लिख के बता दूंगा, 1/2 RV + NP, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। एक बार पहले मैं करके दिखा दूं इसको, इंटरेस्ट तो हो गया 90 रुपया, भी 1/n यानी कि 1/6, रिडीमेबल वैल्यू लास्ट में कितना मिलेगा आपको, 1000 रुपया वापिस मिलेगा आपको। अच्छा, नेट प्रोसीड्स आज कितने में मिल रहा है, वो आज 900 रुपये में मिल रहा है भाई, और 1/2 1000 + 900 तो कितना आता है भाई, जरा देखें एक बार। तो 100 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया,
प्लस इसमें मैंने 90 ऐड कर दिया और डिवाइड बाई इसकी एवरेज आएगी भाई 950 रुपया, ये आता है भाई 11.22 11.22%। तो अब देखो वही फैसला हो रहा है कि नहीं हो रहा जो हमने आपको बताया था कि YTM, अभी जो मैंने बताया कि YTM के बेस पर डिसीजन कैसे लेते हैं। तो इफ दी YTM फॉर ए बॉन्ड इज मोर देन इट्स इन्वेस्टर्स यील्ड द बॉन्ड इज रिकमेंडेड टू बी परचेज, ठीक है। अगर YTM ज्यादा है तो, लेकिन अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखो हमारे इन्वेस्टर की यील्ड तो कितनी है, इन्वेस्टर तो कितना चाह रहा है 12%, और हमारी YTM कितनी आ रही है अभी आपके सामने देखी हमने 11.22%, तो ये तो कम है, तो यहां से भी आएगा नॉट रिकमेंडेड, यानी कि ये कैसा है, ओवर प्राइज्ड है, ये महंगा है भाई, इसको मत खरीद, ठीक है। अब मैं YTM का आपको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो फर्क इतना ही, ये जो फॉर्मूला था ये आपका KD का फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ डेट का, जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था। YTM में इसी चीज को इन्वेस्टर के नजरिए से लिखना, यानी कि इंटरेस्ट इनकम प्लस 1/ मैच्योरिटी पीरियड, इसको 1/N लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट या मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट लिखते हैं इसको, MA मैच्योरिटी अमाउंट, बात हुई है, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस सेल प्राइस, ठीक है, या मार्केट प्राइस जितने में आप इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, और नीचे 1/2 ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट प्लस सेल प्राइस, बात हुई है, ठीक है, उसी चीज को इन्वेस्टर के नजरे से लिखना है कंसेप्ट। तो ये इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, चाहे वो फैसला इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर ले लिया जाए। ये गलती करोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू जब निकालो तो इन्वेस्टर्स यील्ड के बेस पर निकालनी है, ठीक है। जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो जो प्रेजेंट वैल्यू लोगे वो कौन से फैक्टर पर लोगे, जो इन्वेस्टर्स की रेट ऑफ रिटर्न है जिसको इन्वेस्टर यील्ड बोलते हैं, उस पर फाइंड आउट निकालनी है, तभी सही रिजल्ट आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया, ये सब एग्जाम्पल अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, सब में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। अब यहाँ री इन्वेस्टमेंट का ही क्वेश्चन फिर से है, सॉरी ये क्या नाम है, YTM के बेस पर ही क्वेश्चन फिर से है, लेकिन अब यहाँ एक नया पॉइंट आ गया री इन्वेस्टमेंट, कि हम उस फंड्स को री इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जितना तुम ब्याज कमाओगे ना उस ब्याज को हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा आपको, रिटर्न पर रिटर्न मिलता रहेगा। तो आपका YTM कितना होगा, YTM रेट क्या होगी, कैसे करेंगे, तो आज फेस वैल्यू है 1000 रुपया, उसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, इंटरेस्ट रेट आपको 15% की रेट से ब्याज मिलेगा और 16% की रेट से आप इसको री इन्वेस्ट कर सकेंगे, और आज ये आपको 900 रुपये में मिल रहा है, इसकी YTM निकालो। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा फिर अपने आप से वही बात करो भाई कि मुझे इस पर मिलने क्या वाला है, तो 1 से 5 वर्षों तक मुझे ब्याज मिलेगा, 1 से 5 वर्षों तक मुझे ब्याज मिलेगा कितना, 1000 पर 15% की रेट से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, और पांचवे वर्ष मुझे क्या वापस मिलेगा, पांचवे वर्ष मेरे को, आपको पता है जो बॉन्ड है उसका रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं कहा है तो वो 1000 के 1000 रुपये आपको वापस मिलेंगे, यूं कह रखा होता भाई रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा 5%, तो मैं 1050 लिख देता। तो यहाँ तक तो बात वही है, नया क्या है, नई बात यह है भाई कि हम इस, ये जो ब्याज मिलेगा ना, इस ब्याज को हम री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, मतलब उस ब्याज पर हम आगे ब्याज कमाते रहेंगे, ठीक है। तो अब जरा पहले आप देखो ये ब्याज बन कितना जाएगा आपका, ठीक है, 150 रुपया अगर आप हर साल जमा करवाओ, ठीक है, एक मिनट मैं इसको पहले लिख देता हूँ, नीचे मैं लिख रहा हूँ इसको फ्यूचर वैल्यू लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू बाद में निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू तो किस पर निकालेंगे, वो वही YTM है, ठीक है, उस पर मैं अभी बात भी बाद में करूंगा। तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लो पहले, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है,
लास्ट कल मैंने जो है आपको दोनों चीजें बताई थी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों का मतलब बताया था। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, कि 5 साल बाद इस बॉन्ड पर कुल मिलाकर मिलेगा क्या, वो देखे जरा पहले। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि मैं 150 रुपया हर साल जमा करवा रहा हूँ अपने बैंक में, जिस पर मुझे 16% की रेट से ब्याज मिलता है, ठीक है। तो अब जरा आप अपनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल है उसको देखें। ये कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल है जो हमें बताती है कि अगर आप 1 रुपया 10% की रेट पर जमा करोगे तो 1 साल बाद आपको 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा, ये लास्ट में देख पा रहे होंगे। 2 साल बाद फिर 10% इस पर ब्याज मिलेगा तो 1 रुपया 31 पैसा, 3 साल बाद 1 रुपया 33 पैसा, ठीक है। ऐसी अब मैं 16% की रेट पर बात कर लेता हूँ। 16% की रेट पर 1 रुपया अगर आप जमा करवाओगे तो 1 साल बाद 1 रुपया 16 पैसा, 2 साल बाद 1 रुपया 34 पैसा। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि 150 को आप ऐसे ऐसे इन सबसे गुना करो, नहीं तो जैसे वहां पर हमने एनुटी फैक्टर ले लिया, यहाँ पर भी हमारे पास एनुटी टेबल मौजूद है, ठीक है। ये 16% पर 5वें वर्ष का जो एनुटी फैक्टर है वो मुझे ये बता रहा है, ये वाला फैक्टर जो आप देख पा रहे होंगे 6.877, कि भाई अगर 1 रुपया मैं हर साल जमा करवाऊँ अपने बैंक में, पहले साल के अंत में 1 रुपया, दूसरे साल में 1 रुपया, ऐसे 1 रुपया हर साल जमा करवाऊँ, ठीक है, और उस पर 16% ब्याज मिलता हो, तो वो जो मेरे कुल मिलाकर 5 रुपये जमा हुए वो कितने बन जाएंगे, वो 6 रुपया 87 पैसा बन जाएंगे। बस यही मुझे चाहिए, ठीक है। अब आप समझे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो पहले निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट 150 रुपया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एनुटी फैक्टर, ठीक है, कंपाउंड एनुटी फैक्टर लिखेंगे भाई, प्रेजेंट वैल्यू वाला नहीं, कंपाउंड एनुटी फैक्टर इस रेट पर 16% पर, ठीक है, 5th ईयर का। तो 150 गुना ये कितना आ रहा था, मैं भूल गया, मैंने देखा नहीं, ये आ रहा था भाई 6.877, लिख लेता हूँ इसको 6.877, ये इधर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 6.877 से। तो 150 को आप मल्टीप्लाई करें 6.877 से, तो ये वैल्यू बनती है 1031 रुपया 55 पैसे। और 5वें वर्ष के अंत में जो आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलेगी, 1000 रुपये वापिस मिलेगा, उस पर तो देखो कोई रिटर्न मिलना नहीं है, उस पर उसको तो आप री इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी बन गई, 1031 रुपया 55 पैसा, तो ये भाई, और 1000 रुपया ये, ठीक है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलेगा, यानी कि 6 साल के बाद की वैल्यू देखे तो 2031 रुपया 55 पैसा बन जाएगा। ये वैल्यू कब की है, एट द एंड ऑफ 6th ईयर, ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, अब या तो मुझे इन्वेस्टर यील्ड दे रखी होती है, देखो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में जो नहीं है वो मैं ऐड करके बता रहा हूँ, YTM नहीं निकाल रहा हूँ मैं अभी, सिंपली मैं अभी पहले ये सिंपल करके बताता हूँ कि अगर इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इन्वेस्टर आपसे 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करता हो तो क्या आप एडवाइज करेंगे कि इस वाले बॉन्ड को खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, तो आप क्या करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और किस रेट पर लेंगे, इन्वेस्टर की यील्ड जो दे रखी है 10% पर, एट 10%, ठीक है, 5th ईयर। तो 5 वर्ष बाद ये वैल्यू 2031 रुपया 55 पैसा हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आज कितनी है, आज के लिए पीवी फैक्टर कर दो, ठीक है, 10% की रेट पर 5th ईयर का। तो 10% की रेट पर पीवी फैक्टर 5वें वर्ष का कितना आता है, मैं जरा आपको बताता हूँ, उसमें देखिए ये 10% की रेट पर 5वें वर्ष का पीवी फैक्टर आता है, ये देखिए
0.621, आप देख पा रहे होंगे टेबल में 0.621 10% की लाइन में। तो इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2031.55 रुपया को 0.621 से। तो आज इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 2031.55 रुपया गुना, अगर इन्वेस्टर 10% रिटर्न से सेटिस्फाई हो रहा होता, 0.621 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई आज इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू हो रही होती 1262 रुपया, 1261.59 रुपये है, यानी कि 1262 रुपया। यानी कि इन्वेस्टर को बिल्कुल खुश होकर ले लेना चाहिए था ये लोन। मिल कितने में रहा है, 900 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और आ कितनी रही है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, 1262 रुपये, बिल्कुल खुश होकर उसको ये खरीद लेना चाहिए। लेकिन ये चीज इस क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, ये मैंने समझाने के लिए आपको अलग से बताई है, इस क्वेश्चन में नहीं थी है, लेकिन हो तो इस तरह से करनी है, अलग से क्वेश्चन लेने के बजाय मैंने इसी में बता दी। अब आपसे तो क्या पूछा, आपसे तो YTM पूछा है। अब YTM के लिए भैया वही YTM के पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप YTM पर कुछ कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें पहले एफर्ट्स यही किया कि आप YTM समझे। तो YTM क्या होती है, वो रेट जो इस फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू के बराबर कर देगी, वो होती है, ठीक है। यानी कि अब मुझे चाहिए YTM, और YTM में कैसे निकालूं, देखो YTM मुझे पता है कि ये जो 1262 को ये जो मैंने अपनी तरफ से 10% पर इमेजिन करके निकाला है, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 2031.55 रुपये, 2031.55 रुपया। इसको मैं किसी रेट से गुना करता, ठीक है, पीवी फैक्टर लिए होते, पीवी फैक्टर, ठीक है, एट YTM रेट, उसी का नाम YTM रेट है, ठीक है, फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर लिया होता, वो जो रेट अगर मुझे मालूम होती तो उस पर, और वो किसके बराबर हो जाना चाहिए था, वो 900 के बराबर हो जाना चाहिए था, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये देखिए, बिल्कुल शुरू में एक लाइन में मैंने सारा पहले लिख दिया था इसी को, YTM इज द रेट, ठीक है, ऑफ डिस्काउंट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स टू इट्स करंट मार्केट प्राइस। तो आज जितने में मिल रहा है उसके बराबर करते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। तो अब भाई जरा समझो, ये YTM रेट क्या हो जाएगी, पहले पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा, पीवी फैक्टर, ठीक है, एट YTM रेट फिफ्थ ईयर का कितना हो जाएगा भाई, 900 को मैं 2031.55 से डिवाइड कर देता हूँ, 900 को 2031.55 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 0.443, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये है, अलग से बता रहा हूँ मैं, कि अगर भाई ये जो 2031.55 रुपया होता, ठीक है, जो फ्यूचर वैल्यू थी, इसको मैं अगर 0.443 से गुना करता ना, तो ये 900 के बराबर आ जाता, इसका मतलब ये, तो 0.443 वो पीवी फैक्टर है जो पांचवें वर्ष के लिए आएगा और दी गई रेट पर आएगा, लेकिन रेट नहीं मालूम। अभी तक तो हम करते क्या है कि रेट हमारे पास होती है, ईयर हमारे पास होता है, पीवी फैक्टर हम ढूंढ लेते हैं। अब उल्टा कर लो भाई, पीवी फैक्टर तुम्हारे पास है, ईयर तुम्हारे पास है, तो रेट आप ढूंढ लीजिए कि ऐसा कौन सी रेट पर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम पीवी फैक्टर टेबल, पीवी फैक्टर टेबल से अब हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां से, ये हमारी पीवी फैक्टर टेबल हो गई, और पीवी फैक्टर टेबल पर मुझे क्या करना है, पांचवें वर्ष की लाइन में ढूंढना है कि कहां पर मुझे 0.443 मिल सकता है। ये देखो मैं पांचवें वर्ष वाली लाइन से चला जा रहा हूं, अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो, ठीक है, ये 0.621 पर जाकर रुक जाती है, यानी कि भाई यहां तो बात बनेगी नहीं, और कोई बड़ी रेट लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ अगले पेज पर,
पांचवी वर्ष वाली लाइन में मैं फिर से शुरू हुआ, यहां से मैंने शुरू किया इसको, एक मिनट, तो 0.476 और 0.456, 0.437, ठीक है, लगभग ये रेट दोनों नजदीक आ रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं सिलेक्ट इसको कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप यहाँ देखिए 0.437 और 456 दोनों ही इसके नजदीक की रेट, ठीक है। तो इन दोनों में से अभी तो आप कोई भी ले ले, इनिशियल स्टेज है एक तरह से समझने के लिए, ठीक है, 437, ठीक है, और 456। तो अब हमारी वैल्यू है 443, 443 के ज्यादा नजदीक कौन सा है, ज्यादा नजदीक मुझे ये 18% वाली रेट पर नजर आ रहा है, 437। तो यहां से मैंने रेट ले ली, ठीक है, दर YTM रेट इज 18%, 17% भी आ सकती थी, और इसमें एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक होती है, उस पर अभी हम जाएंगे नहीं, वरना हम 17% और 18% से एक्यूरेट भी निकाल सकते थे। ये 17% और 18% के बीच में आती, 17.5 समथिंग लगभग ऐसी आती। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रेट दोनों के बीच में लाई पर कर रही है, आप अंदाजा इतना तो अभी यहाँ भी चला सकते हो कि 17.5%, ठीक है, कि 17.5% पर ये इसके बराबर होगी, ठीक है। और हम कितने पर ले रहे थे, अभी मैं समझाने के लिए ले रहा था 10%। तो सिंपल सी बात है, अगर 10% इन्वेस्टर यील्ड होती तब तो आराम से हंसकर इसको खरीदने के लिए हम कहते हैं, वही दोनों से रिजल्ट सेम है। अगर 10% आपकी इन्वेस्टर यील्ड होती तो हमारी YTM 17.5% आ रही है, तो हम कहते हैं इसको खरीदो। और सिर्फ इंटेंसिक वैल्यू के बेस पर डिसीजन ले रहे होते तो 10% की रेट पर 1262 वैल्यू आ रही होती और मिल रहा है मात्र ये 900 रुपए में, तो तब भी हम कहते कि भैया इसको खरीदो। रिजल्ट दोनों से सेम आना चाहिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये YTM होती क्या बला है और कैसे इसको निकाल, ठीक है ना। अब जरा आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है लगभग वही, थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको साथ साथ कर लेंगे। तो पार वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पेबल एनुअली, करंट सेलिंग प्राइस 900 रुपए है, मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर्स का है, रिडीमेबल एट पार, इंटरेस्ट इनकम कैन बी री इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, यहाँ पर भी री इन्वेस्टमेंट का है इशू, और आप YTM निकालिए, ठीक है भाई। तो आपके लिए मैं छोड़ दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ देना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई इस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और 8% की रेट पर ही री इन्वेस्ट हो रहा है। तो भाई 1000 रुपये के बॉन्ड पर आपको, अच्छा मैच्योरिटी पीरियड है 6 साल, 1 से 6 सालों तक आपको मिलेंगे 80 रुपया, ठीक है। तो 1 से 6 सालों तक 80 रुपया मिलेंगे, इन 80 रुपये को आप री इन्वेस्ट करते रहना, ठीक है। और री इन्वेस्ट करने के बाद जो कंपाउंड वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट और देखते हैं एक चीज और, पेबल एनुअली, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एनुअली एट द एंड ऑफ, मैं इसमें एक चीज और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एट द एंड ऑफ ईयर, अब ये कम से कम बिल्कुल सेम नहीं रहेगा क्वेश्चन जैसा मैंने करवाया था, थोड़ा सा बदल जाएगा, और क्या बदलाव आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मैं ही करवाता हूँ इसको, देखिए हम ये कहेंगे, एक बार पहले मैं इसको इरेज कर दूं, तो 1 से 6 सालों तक आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखे इयर्स, इयर्स, ठीक है, 5-6 वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये मिलेगा आपको इंटरेस्ट 80 रुपया हर बार, अब अगर मैंने वहां लिख दिया कि इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड, ठीक है, कुछ नहीं कह रखा तो आप जैसे चाहे वैसे कर लो, लेकिन एट द एंड मैंने वह क्लियर कट कर दिया है, तो अब जरा समझना, मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं री इन्वेस्टमेंट पीरियड, री इन्वेस्टमेंट पीरियड, ये 80 रुपया मिला कब है, पहले साल के अंत में,
यहाँ पहले वर्ष के अंत में तो मुझे मिला और आगे फिर मैंने रीइन्वेस्ट किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम तक रीइन्वेस्ट रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये मात्र 5 वर्षों के लिए रीइन्वेस्ट रहेगा। इसी तरह से ये 4 वर्षों के लिए रीइन्वेस्ट रहेगा, क्योंकि दूसरे साल के अंत में तो मिला ही है, 1, 2, 3, 4, ये 3 वर्ष तक रीइन्वेस्ट रहेगा, ये 4 वर्षों तक रहे सॉरी 2 वर्षों तक रहेगा, ये 1 वर्ष ही रीइन्वेस्ट रहेगा, और इसको रीइन्वेस्ट करने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि 6ठे साल के अंत में मिलेगा, तब तक मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा। तो भाई अब यहाँ ये गलती अब आप कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो कंपाउंड वैल्यू लेंगे एट 8% पर, ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड इंटर जो वैल्यू 8% पर लेनी है, यहाँ तो लेनी है 5 वर्षों की, या 4 वर्षों की, या 3 वर्षों की, या 2 वर्षों की, या 1 वर्ष की, या यूं समझ लो मेरे कहने का सार ये है कि वहां अगर मैं सिंपली कर रहा होता तो मैं क्या करता, 80 को गुना कर देता एनुटी फैक्टर 6ठे साल वाले से, यही करता ना मैं, 80 रुपए को एनुटी फैक्टर 6ठे साल का 8% पर, वही मैंने पीछे किया है। यहाँ फर्क क्या होगा, 80 रुपए को एनुटी फैक्टर 5वें साल का, 6ठे साल का नहीं, 5वें साल का 8% के रेट, तो ये तो इन वर्षों का होती वैल्यू, इन 5 वर्षों वाले के तो ये होती, और जो लास्ट में मिला प्लस 80, उसकी 80 की वैल्यू कब है, 80, क्योंकि उसको तुमने रीइन्वेस्ट ही नहीं किया। इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। अब आप चाहे जैसे कर ले, दोनों से मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये 80 रुपया एक तरह से 80 80, ये देखो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 वर्षों तक के लिए रीइन्वेस्ट रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको 5 ही वर्ष के फैक्टर से मैं एक बार करके बता ही देता हूँ आपको, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल 8% की रेट पर लेता हूँ मैं, ठीक है, 8% की रेट ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, और इसमें आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे 8% की रेट पर ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 साल के लिए वैल्यू है 0.08, 1.08, 1.166, 1.26, 1.36, 1.469, ये 5 वर्ष, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मैं कहूंगा भाई ये जो 80 रुपया मिलेगा ये 5 वर्ष के लिए रीइन्वेस्ट रहेगा, तो आज 1 रुपया में 5 साल के लिए रीइन्वेस्ट करूं तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1.469, टेबल बता रही है मुझे। अगर 80 रुपया में 4 वर्ष के लिए रीइन्वेस्ट करूं तो उसकी वैल्यू बन जाती है मुझे 1.36। अगर ये 80 रुपये 3 वर्ष के लिए रीइन्वेस्ट करूं तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 1.26, ऐसे 1.166, और अगर 80 रुपया 1 साल के लिए इन्वेस्ट हो तो 1.08, और 80 रुपया इन्वेस्ट ही ना हो तो आज जो वैल्यू है वो 1 रुपये की वैल्यू एक ही रहेगी। तो अब आप इनको गुना कर लीजिएगा 80 से, ठीक है, 80 को गुना करना है इससे, इस 80 को इससे, इसी तरह से ये जो टोटल आएगा, तो एक तो ये वाला सम प्लस 6ठे साल के अंत में कितने मिलेंगे, 1,000, ठीक है, और फिर आगे की कार्रवाई होगी, फिर हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो सम आ रहा है टोटल तुम्हारा, जो अभी मैंने फाइंड आउट किया, जिसको आप लिखेंगे, ठीक है, ये मैं YTM वाली रेट पर पी फैक्टर लूंगा 6ठे साल का, 6th ईयर का, ठीक है। तो ये 900 के बराबर कौन सी रेट पर हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा, ये 900 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, हमारे पास पी फैक्टर आ जाएगा, और उस पीवी फैक्टर को ढूंढ लेंगे कि ऐसा कौन सी वाली रेट पर पॉसिबल है, ठीक है, और वहां से हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। जीरो कूपन का मतलब ही है कि जहां इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, जीरो कूपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, यानी कि जो फायदा है आपको किस चीज का मिलेगा, कि आज मिल रहा है 6,000 में और 15 साल बाद मिल जाएंगे 1 लाख रुपए, तो इसकी YTM निकालो। अब यहाँ पर भी मैं दोनों ही बात कर लेता हूँ, YTM निकालो, और दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर इन्वेस्टर आपने रिटर्न पर 10% के रिटर्न की उम्मीद कर रहा होता तो हमें इसको रेकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले YTM निकालें। YTM के लिए सिंपल सी बात, रेट मिसिंग है, रेट मुझे ढूंढनी है, तो
मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 1 लाख रुपया है जो साल भर जो 15 वर्ष, देखो 1 से 15 वर्षों तक ब्याज मिलेगा 0, और 15वें वर्ष आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है इसमें, तो 15 साल के अंत में 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर एट एट वो रेट का नाम ही YTM है, वो रेट ही मुझे नहीं पता, ठीक है, और कौन से वर्ष पर, 15वें साल की, और वो वैल्यू उस पीवी फैक्टर से जब इस 1 लाख को गुना करूं तो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वो 6,000 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब वो YTM पर पीवी फैक्टर निकालना है मुझे, पीवी फैक्टर YTM पर 6,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दो भाई, 0.06 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 0.06 वैल्यू किस रेट पर हो जाती है 15 साल के अंत में, पीवी फैक्टर में ढूंढेंगे हम इसको, ठीक है, 15वें साल के अंत में। ये 15वां वर्ष आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप देखें 0.065 तो नजर आ रहा है, ये 0.065 ये कौन सी पर है, ये 20% पर है भाई। और एक बार 30 वाली पर और देख लेते हैं, 0.057 ये ज्यादा नजदीक है बल्कि इस वन, ठीक है, तो ये आ रहा है 21%। तो हम लिख देंगे कि भाई ये रेट कौन सी है, ये रेट है 21%, ठीक है, 21% है, 21% है, ठीक है, 21% पर ये बराबर हो जाएगा, एक तरह से इसके बराबर हो जाएगा। 21% की रेट पर अगर मैं डिस्काउंट करूंगा इस 1 लाख को, तो आज ये लगभग 6,000 के बराबर हो जाएगा। 21 एक्यूरेट नहीं, वही 20.5 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अब इन्वेस्टर कितना चाह रहा है, इन्वेस्टर तो मात्र 10% ही चाह रहा है, तो उसके लिए अच्छा रिटर्न है, इसको इसे ले लेना चाहिए। YTM पूछिए तो YTM 20.5% आ रही है भाई, और अगर 10% उसकी एक्सपेक्टेशन है, 15% एक्सपेक्टेशन है, इवन मैं कहूँ 18% उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो हम ये कहेंगे कि भैया ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज जितने 6,000 रुपये में मिल रहा है उससे अधिक हो। अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहें कि आज इसकी वैल्यू कितनी है, थोड़ी देर के लिए इसको 10% पर ही मानो, अगर वो 10% उसकी उम्मीद होती पाने की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती आज के टाइम में, तो 1 लाख रुपए को 10% की रेट पर, ठीक है, और 10% की रेट पर पीवी फैक्टर ले लीजिए, पीवी फैक्टर है 10%, 15th ईयर, 15वें साल के अंत में पीवी फैक्टर जो होगा, 15वें वर्ष के अंत में पीवी फैक्टर जो 10% की रेट पर आएगा, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये वैल्यू है 0.239, ठीक है, 0.239 से गुना कर, तो 1 लाख को 0.239 से गुना करोगे तो 23,900 रुपये आता है। यानी कि भाई ये जो डिवेंचर, ये जो बॉन्ड तुम्हें आज मिल रहा है मात्र 6,000 रुपये का, इसकी एक्चुअल में आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 23,900 रुपये है। तो इसको खरीदने में किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, आपको इसे खरीद लेना चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रहा है, फेस वैल्यू है 1,000, कूपन रेट 12%, 5% प्रीमियम पर मिलेगा ये आपको, ये आज मिल रहा है आपको 1,050 रुपये, कूपन रेट 12%, यानी कि 12,120 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल, n=10 ईयर्स। आप कहता है इन्वेस्टर्स की डिजायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, इन्वेस्टर को एडवाइज करो, दो तरीके हैं भाई, ठीक है, या तो आप क्या करो कि 120 रुपये जो मिलेंगे आपको कब तक, 10 सालों तक, ठीक है, 10 वर्षों तक मिलेंगे, तो उसको 11% के रेट पर आप डिस्काउंट कर लो। मतलब एक तरीका तो सिंपली जो होगा वो ये कि 120 रुपया मिल रहा है, इसको पीवी फैक्टर से गुना कर दूं, पीवी फैक्टर एट
11% जो इन्वेस्टर के डिजायर्ड रेट है, ठीक है, और कौन से वर्ष पर, 10वें वर्ष, ठीक है, और 10 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 1000 रुपया और वापस मिलेगा। ये 120, भाई मैंने पी फैक्टर गलत लिख दिया, ये एनुटी फैक्टर लिख दिया, क्योंकि 120 हर साल मिलेगा ना, और ये पीवी फैक्टर होगा एट वही 11% 10 की है। तो आज इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है, तो 120 को आप एनुटी फैक्टर से गुना करें, 120 को आप गुना करें एनुटी फैक्टर से 11% के रेट पर, ये 11% रेट आ गई, ठीक है। एनुटी फैक्टर 11% की रेट पर 10वें साल का है, ये देखिए 5.889, तो 5.889, और ये जो 1000 रुपये वापिस मिलेंगे 10 साल के अंत में, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसका लिए देखो पीवी फैक्टर सिंपली एनुटी फैक्टर की बजाय, तो 11% की रेट पर 11% के रेट पर 10वें वर्ष का फैक्टर है 0. आप देख पा रहे हो 352, तो 0.352। अब एक बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई कितना आता है, तो 120 मल्टीप्लाई किया मैंने 5.889 और 1000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.352, ये हो जाएगा 352, और इसको अगर मैं जोड़ लेता हूं तो ये 1058.68 और मिल कितने में रहा है, मिल रहा है 5% प्रीमियम पर, यानी कि 1050 में, यानी कि तो लगभग उतने में ही मिल रहा है जितनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हम इसको खरीदने के लिए कह भी सकते हैं देखा जाए तो थोड़ा सा ही महंगा, और अगर आप YTM निकालना चाहे इसकी, तो YTM कैसे निकालेंगे, YTM के लिए देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, 120 प्लस 1/10, रिडीमेबल वैल्यू 1000 रहेगी, इश्यू प्राइस 1050, डिवाइड करो भाई दोनों की एवरेज 1/2, 1000 प्लस 1050, तो ये कितना हो जाता है भाई, 1050 120 में से 5 लेस हो जाएगा, यानी कि 115 को डिवाइड कर देंगे हम 1025 से, 115 डिवाइड बाय 1025, 11.22। तो इन्वेस्टर की डिजायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 11% मिल रहा है, वैसे YTM कितना रहा है, 11.22, लगभग बराबर है, वही बात जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी YTM अधिक है, ठीक है, थोड़ा सा तो बेनिफिट में ही है, तो हम इसको एडवाइज ही करेंगे खरीदने के लिए। अब एक चीज और देख लो कि अगर यही पेमेंट अगर हाफ ईयरली होती है तो क्या फर्क पड़ता है, तो ईयरली का तो मैं आपको बता चुका, हाफ ईयरली में और समझ लो इसी को। अब ये फेस वैल्यू है 1000 का, कूपन रेट 6%, मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अब आप वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट एनुअल हो, हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, तो रेट में एडजस्टमेंट जरूर कर लेना भाई, ये कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए होंगे, बस वही चीज है। तो अगर ईयरली हो तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं, आप करते ही आ रहे हो ईयरली, तो मैं तो आप कहेंगे 1 से 3 साल तक तो इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% के रेट से 60 रुपया, और तीसरे साल के अंत में मिलेगा आपको क्या, 1000 रुपया वापस मिलेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो 60 को मल्टीप्लाई कर देना पीवी फैक्टर, एनुटी फैक्टर सॉरी, 12% के रेट पर, और 1000 को गुना कर देना 12% पर, जैसे मैं अभी बताकर आ रहा हूँ, सिंपली वही है, ठीक है। अब हाफ ईयरली होगा तो क्या करेंगे, हाफ ईयरली में देखो कूपन रेट जो है आपकी 6% है, तो रेट जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, 6 का आधा कर दो 3%, हाफ ईयरली हो जाएगा, तो 1000 पर 3% के रेट से
तीस रुपया ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है, 30 रुपया ब्याज मिलेगा। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपकी, जो आप यहाँ 12% कर रहे हैं पर एनम, इसको भी हाफ करना पड़ेगा, ये भी फिर 6% की रेट पर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम ये कहेंगे एक तरह से, अब यहाँ ईयर हाफ ईयर को भूल जाओ, सिर्फ आप ये देखो कि कितने बार ऐसा होगा, हाउ मेनी टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार मिलेंगे आपको 30-30 रुपया। तो तब तो हम 60 रुपए को मल्टीप्लाई कर रहे थे पीवी फैक्टर, ठीक है, 12% की रेट पर, पीवी नहीं सॉरी एनुटी फैक्टर 12% पर तीसरे साल का। अब आप 30 रुपए को गुना करेंगे एनुटी फैक्टर, ठीक है, और तीसरे साल का नहीं, अब छठवें साल का ले लो, एक तरह से इसके लिए 6th टाइम 6 बार हो रहा है, ठीक है, छठवें साल का लेना है एनुटी फैक्टर और रेट हो जाएगी 6%, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर जो आपको जो लास्ट में मिलेंगे 1000 रुपये वापिस, इसको मल्टीप्लाई करना है वही पीवी फैक्टर, ठीक है, 6% की रेट पर छठवें साल। क्वार्टर का और बता दूं, फिर इसके बाद मैं इकट्ठा ही करता हूं इसको। अब क्वार्टरली अगर होता तो आप 12% को डिवाइड करते, क्वार्टर होते हैं 4, तो 3% आ जाता, ठीक है। ये कुछ गलती कर दी थी मैंने, कूपन रेट 6% ही है, तो उस टाइम कूपन रेट आपको इंटरेस्ट कितना मिलता, फिर आपको इंटरेस्ट मिलता 15-15 रुपये, 15 15 15 15 ऐसे। और कितने बन जाते, कितने क्वार्टर बन जाते हैं इसमें, 3 साल में 12 क्वार्टर बन जाते। अब मैं आपको हाफ ईयरली वाला करके बता देता हूँ, तो 30 रुपये मिलेंगे, वही मिलते रहेंगे आपको, ठीक है, 6% की रेट पर, ठीक है, और 6 साल तक। तो एनुटी फैक्टर ले लो सिंपली इसका, 6% की रेट पर एनुटी फैक्टर छठे साल का, 6% की रेट पर एनुटी फैक्टर छठे साल का 4.917, 4.917। और फिर जो 1000 रुपये मिलेंगे उसको भी 6% की रेट पर छठे साल के पी फैक्टर से गुना कर दो, 6% की रेट पर छठे साल के पीवी फैक्टर से, तो छठे साल का पीवी फैक्टर 6% की रेट पर 0.705 है, 0.705। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल कर लो, ये इस बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। अनइक्वल इंटरेस्ट रेट का मैंने आपको करवाया ही था, ठीक है, सेम वही है ये कि 1000 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर है, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल का है, पहले 2 साल आपको क्या मिलेगा 12%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले 2 साल 12%, यानी कि 1000 पर 12% 120 रुपये मिलेंगे, 120 और 120, फिर 13% तो 130, 130, फिर 15% 150, 150। और अब देखो छठवें साल के अंत में 1000 रुपया वापिस भी मिलेगा, मैच्योरिटी जो है उसकी वापिस करोगे। अब कैलकुलेट द इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इफ कंपनी प्रपोज टू प्रोवाइड कंपाउंड यील्ड 15%, कंपनी कहती है हम 15% यील्ड देंगे अपने इन्वेस्टर को, तो आप क्या करो, एक तरह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन 15% होगी, 15% के रेट पर आप इनके पीवी फैक्टर ले लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, उसका टोटल कर लो, और वो उस प्राइस पर उसको बेचना चाहिए। अब वो प्राइस अगर देखो भी ये कह रहा है कि अगर 900 रुपए में बेच रहे हैं तो इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए कि नहीं, तो भाई अगर वो वाला प्राइस टोटल आ रहा है मान लो 950 और मिल रहा है 900 में, तुम कहेंगे भाई खरीद लो, और वो आ रहा है मान लो 850 और मिल रहा है 900 में, तुम कहेंगे नहीं महंगा है मत खरीद, ठीक है। और इसी तरह से ये है, ये भी मैंने आपको करवा दिए, वैसे उसी का रिपीटेशन है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड 10,000, कूपन रेट 8%, मैच्योरिटी पीरियड 4 साल,
करंट मार्केट प्राइस है 8750, इन्वेस्टर की यील्ड है 10%, YTM और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। YTM तो सिंपली कैसे निकालोगे, 10,000 पर 8% इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, 10,000 पर 8% कितना मिलेगा, 80 रुपया या 800 रुपया, 800 रुपया, ठीक है। 800 रुपया तो इंटरेस्ट प्लस 1/n यानी कि 1/4। रिडीमेबल वैल्यू लास्ट में कितना रुपया मिलेगा, 10,000। आज कितने में मिल रहा है, आज इश्यू हो रहा है 8790 में, डिवाइड कर दो 1/2, 10,000 प्लस 8790, ये तुम्हारी आएगी YTM। और इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये जो इन्वेस्टर की यील्ड है उसको कंसिडर करोगे। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप कहेंगे भाई 800 रुपये मिलेंगे, कब से कब तक मिलेंगे, 1 से 4 वर्षों तक। तो इनको मल्टीप्लाई करना है एनओटी फैक्टर, ठीक है, एट 10% चौथे साल का, और प्लस 10 चौथे वर्ष के अंत में 10,000 रुपये और वापिस मिलेंगे। इनको मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर एट 10% फोर्थ ईयर का, ये जो टोटल आएगा वो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और आप देखना अगर तुम्हारी YTM, अब ये इन्वेस्टर यील्ड 10% आ रही है, मान लो तुम्हारी YTM आ रही हो 12%, YTM ज्यादा आ रही हो, ठीक है, ज्यादा आ रही हो तो हम क्या कहते हैं कि इसको खरीदने के लिए हम सलाह देते हैं ना, तो 12% अगर आ रही है तो हम बोलते हैं इसको खरीदें। तो अगर आपकी ये 12% आ रही होगी तो आप देखना आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस 8790 से ज्यादा आएगी, मान लो 9500 रुपये आ जाएगी, तो हम कहेंगे खरीदोगे। और अगर उल्टा आ रहा होगा, अभी ये कैलकुलेशन और मैंने किया नहीं, मान लो इसकी YTM आ रही होगी 9% और इन्वेस्टर यील्ड है 10%, तो आप देखना इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी इस 8790 से कम आएगी, मान लो 8500 रुपये आएगी, तो हम कहेंगे कि भाई शेयर, ये जो बॉन्ड है ये ओवर प्राइस है, इसलिए इसको मत, ठीक है। तो इसको आप करिए प्रैक्टिस, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए, लगभग हर तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिया, ठीक है।